जय शंकर दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले पार्ट में दिखाया मास प्रोट वाली का मंदिर, द्वाट महादेव का मंदिर, तो ये उसका हिमाचली मुंडन का पार्ट टू है। अगर आपने मेरा पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या इसकी पिछली वीडियो है वो पार्ट वन की ही है, तो आप मेरा पहले पार्ट वन देख लें उसके बाद ये पार्ट टू देखें। इस पार्ट टू में हम आपको माँ भलई वाली के, माँ न्यारी वाली के और चामुंडा माता के दर्शन करवाएंगे। उसके बाद हम अपने घर में जो हमारे रीति रिवाज होते हैं हिमाचली मुंडन के वो सारे दिखाएंगे, इसलिए आप मेरी वीडियो में बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट हिमाचली मुंडन का पार्ट टू, द्वाट महादेव जी के मंदिर से। अभी हम द्वाट महादेव के मंदिर से निकल पड़े हैं। आप मेरे पीछे देखिए कितना घना जंगल है, ये हरे हरे देवदार और देवदार के पेड़ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, प्रकृति के नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम जाएंगे माँ न्यारी वाली के मंदिर में, उसके बाद जाएंगे माँ भलई वाली के मंदिर में। तो ये देखिए कितनी ही अच्छी हरियाली छाई हुई है द्वाट महादेव जी के दरबार के आसपास के नज़ारे हैं ये। तो आइए अब चलते हैं माँ भलई वाली के दरबार में। देखिए गाइस कितना ही घना जंगल है द्वाट महादेव जी के आसपास का। मेरी सारी यात्रा आगे चली गई है, वीडियो के चक्कर में मैं अकेला रह गया हूँ यहाँ पर, साथ में सिर्फ एक मामू है, एक चाचू है, बाकी सारे आगे आगे चले गए हैं। तो आइए हम भी चलते हैं, अब देखते हैं कहाँ पर मिलते हैं वो हमें। गाइस हम वापस पहुँच चुके हैं सिंगारा में, तो अब नीचे जाते हैं बस में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। यहाँ से हम न्यारी माता के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर बाल काटेंगे, उसके बाद चलेंगे हम माता भलई वाली के मंदिर में। समय की बात करें तो 4 बजने को आए हैं, अगर यही हिसाब रहा तो हमें लगता है कि आज घर पहुंचते पहुंचते टाइम 10 या 11 रात के बज ही जाएंगे, क्योंकि हमारा घर भलई मंदिर से बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ से भलई के लिए हमें अगर हम बस में जाएंगे तब भी 1.5 या 2 घंटा लग जाएंगे, और वापसी में भी 1.5-2 घंटे लगे, तो सोच लीजिए टाइम 10-11 बज ही जाएंगे। देखते हैं क्या बनता है। ये माणी के कुछ नज़ारे हैं, ये देखिए सूर्य कितना अच्छा लग रहा है बड़े बड़े दियारों के बीच में। फाइनली द्वाट महादेव की यात्रा करने के बाद हम वापस माणी में अपनी बस पर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं यहाँ से न्यारी के लिए, और वहाँ पर हम बाल काटेंगे, उसके बाद जाएंगे माता भलई वाली के दरबार में। तो आइए चलते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं न्यारी में, यहाँ पर कि साईं बाबा का दरबार है, आइए दिखाते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट माता भलई वाली के दरबार में। तो हम पहुंच चुके हैं माता भलई वाली के दरबार में, नीचे नाले में पहुंचे अभी तक, ऊपर बड़े वाहनों को जाने की अनुमति नहीं है, जो छोटी गाड़ी होती है जैसे टैक्सी वगैरह वो तो ऊपर जा रही है, लेकिन बड़ी गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं। वहाँ से भी आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा।
लगभग हम पहुंच ही चुके हैं ऊपर। आपने भी देखा कितनी ज़्यादा भीड़ है अंदर, पुजारी जी भी ऐसे ही यार किसी को परमिशन नहीं दे रहे हैं कि यही वो माता रानी की फ़ोटो या वीडियो बना सके। रात होने का ये इसलिए मेरा चेहरा भी सही तरीके से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आइए चलते हैं वापस घर की तरफ, उससे पहले आपको हम कुछ गली माँ से आके नज़ारे दिखा देंगे। बिल्कुल ठहरी कहने पानी पाएगा। आज माता भलाई वाली के दरबार में बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, तो अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब तो आरती का समय होने को आया है, शाम के 6 बज गए हैं, तो ये माता रानी की आरती भी कर देंगे। ये देखिए आप पीछे कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। तरफ क्योंकि समय को देखे तो टाइम समय 7 बज चुके हैं। तो अब आइए अब चलते हैं हम अपने घर को और दिखाते हैं नई दिशाएं। घर में जाके फिर हमें अभी तक नाड़ा भी देना है, भगवान शंकर जी को भी प्रसन्न करना है।